पारसनाथ मकर संक्रांति मेला मैदान में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा कार्यक्रम को लेकर बुधवार को मधुबन बेसिस होटल में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता राम कथा का आयोजन करवा रहे राम कथा समिति गिरिडीह की ओर से की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से राम कथा की पूरी जानकारी दी गई। बताया गया कि श्री सम्मेद शिखर जी के पावन धरती पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मुरारी बापू का कथा दिनांक 15 जून से 23 जून तक होगी। समिति के प्रदीप जिंदल ने बताया कि 15 जून को कथा के पहले दिन संध्या 4 बजे से 7 बजे तक कथा होगी। वहीं दूसरे दिन से 9वें दिन 23 जून तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 तक कथा होगी। 9 दिनों तक चलने वाले श्री राम कथा में राम कथा के सुप्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू भगवान के विभिन्न रूपों के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कथा लोगों को श्रवण कराएंगे। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कथा में भाग लेने की अपील की। मुकेश जलान ने बताया कि राम कथा को लेकर मैदान में भव्य वातानुकूलित पंडाल का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही मेडिकल पानी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इन्होंने बताया कि गिरिडीह से कथा श्रवण के लिए पारसनाथ जाने वाले श्रोताओं के लिए बस की भी व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद बस से निःशुल्क कथा पंडाल तक पहुंचाया जाएगा और फिर गिरिडीह लाकर छोड़ा जाएगा। बताया गया कि कथा के बाद प्रत्येक दिन निःशुल्क खाना की व्यवस्था और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया है। मौके पर गौरव अग्रवाल, अरविंद कुमार अग्रवाल, ज्ञानेंद्र कुमार गर्गबाके, बिहारी शर्मा, प्रमोद अग्रवाल, दिनेश खेतान, संजय भुदोरिया, विकास खेतान मौजूद थे।